नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्मा दूसरी आत्मा से कैसे बात करती है। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, और काफ़ी जागरूक सवाल है कि अक्सर जिस तरीके से इस भौतिक दुनिया में हम एक लैंग्वेज के थ्रू लोगों से बात करते हैं, और अगर सामने वाले की लैंग्वेज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सपोज़ हम इंग्लिश बोलते हैं, सामने वाला हिंदी बोलता है, वो इंग्लिश नहीं समझ पाता तो हम उसे कैसे समझाएंगे, या हम हिंदी नहीं बोल पाते तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या इसी तरीके के कोई लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं स्पिरिट्स के केस में, जब वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, कैसे करती हैं, क्या वो लैंग्वेजेस का यूज़ करती हैं? दोस्तों, बहुत चीज़ों का इसमें फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात है कि जो जिस तरीके का जीवन हमने जिया है मरने से पहले, तो वही पास्ट लाइफ की जो छाप होती है वो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ जाती है, और आत्मा उसी तरीके की लाइफ को जीती है, उसी तरीके के जीवन को जीती है। और सपोज़ कोई औरत मरी और वो बंगालन है, तो डेथ कॉज होने के बाद अगर वो प्रेत योनि में है, इट इज़ एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, प्रेत योनि में है, तो वो अगर कम्युनिकेशन करेगी, अगर किसी के ऊपर भी आएगी, तो वो अपनी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी जो उसने जीवन काल में बोली थी एक भौतिक रूप में, क्योंकि जो पास्ट लाइफ की छाप थी वो उस पर पड़ जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसी योनि होती है, व्हेन यू लिव योर पास्ट इन योर प्रेजेंट, ये सबसे बड़ी कमाल की बात है इसमें। और वो उसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेगी, और जहाँ बात होगी कि स्पिरिट टू स्पिरिट कम्युनिकेशन, अगर वो एक आत्मिक रूप में किसी और आत्मा से बात कर रही है विदाउट शरीरधारी, तो उस केस में एनर्जी की जो है कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक दूसरे की एनर्जी को पढ़ लेती हैं। दे रियली डू नॉट नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अगर उनकी एनर्जी पॉजिटिव है, अगर इस लेडी की आत्मा की, और सामने वाले कोई स्पिरिट है, मेल स्पिरिट है या कोई लेडी स्पिरिट है, और उसकी एनर्जी भी उससे मेल खाती है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वेलकम करती है, तो दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। और अगर एनर्जी नेगेटिव है सामने वाले की, तो ये वाली जो सोल होगी ये भागेगी, उससे दूर भागेगी, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे इन्हें एक जो लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। स्पिरिट्स में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि समूह में रह जाती हैं, समूह में मिलके भी रह लेती हैं, अलग अलग उसकी होते हुए भी, और मैक्सिमम टाइम में ना ऐसी नौबत आती नहीं है कि इन्हें ऐसी लैंग्वेज इश्यूज़ का या किसी और मूल की स्पिरिट्स से पाला पड़े, क्योंकि जो भी भौतिक रूप में जहाँ भी उसकी डेथ कॉज होती है, जहाँ भी वो रहता था या रहती थी, एंड जहाँ भी डेथ कॉजेज होती है किसी भी सर्कमस्टांसिस में, वहाँ मैक्सिमम केसेस में जो आत्मा होती है उसी एरिया के अराउंड घूमती है, उसी जोन में घूमती है, उसी शहर में रहती है, उसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर अटकी रहती है, या तो अपने घर में या किसी और डेथ कॉज वाले स्पॉट पर या किसी और जगह। तो यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि उससे मिलती जुलती लैंग्वेज बोलने वाले, उसकी तरीके के लोगों की आत्मा कॉमन होती है उसके लिए मिलना, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर दैट सोल टू बी सराउंडेड विद अदर स्पिरिट्स जो उसी के जैसी हैं। यू नो, ऐसा नहीं है कि कोई जो है बिल्कुल ही उसको एक एलियन एनवायरनमेंट मिलने वाला है, उसके जैसी आत्माएं बहुत होंगी जो उसको समझ सकती हैं। हाँ, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई आत्मा, सपोज इंडिया में कोई इंसान था, फॉरेन कंट्री गया, वहां मर गया, एंड वो देश ऐसा है जहाँ पे सब अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और एक यही था जो हिंदी बोलता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी जो आत्मा है दूसरी आत्माओं से अगर कम्युनिकेट करेगी पारलौकिक दुनिया में, तो सिर्फ एनर्जी के तौर पे करेगी कि कैसी सामने वाले की एनर्जी आ रही है, तो वो उसको मदद करेगा दूसरी स्पिरिट से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से मिलने में, कंपैशन दिखाने में, आया अगर सामने से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उससे दूर भागने में, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर की नीड नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। तो लैंग्वेज इज़ जस्ट यू कैन से इज अ चेरी ऑन द केक कि आपको आपके जैसी ही आत्मा मिल गई। और मैक्सिमम टाइम पे लैंग्वेज इशू पड़ता है जब जब कोई स्पिरिट किसी के ह्यूमन बॉडी पे पोजेशन कॉज करती है, और जब कम्युनिकेशन की बात होती है, बिकॉज वी यूज़ दिस लैंग्वेज इन दिस भौतिक वर्ल्ड, और हमारी जो कम्युनिकेशन होता है हमारी इस भौतिक दुनिया में लैंग्वेज के थ्रू ही होता है, हमारी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके होता है। तो वैसे पारलौकिक दुनिया में आत्मा को इसकी नीड नहीं पड़ती है, अगेन ये सिर्फ बॉडी पे आने के बाद ही पड़ती है, अदरवाइज आत्माएं एक दूसरे से कम्युनिकेट उनकी एनर्जी के हिसाब से करती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आपस में अक्सर कोलाइड होती हैं, इकट्ठी समूह में होती हैं, नेगेटिव भी साथ में होती हैं, वो अपने समूह में होती हैं, और यूँ कह लीजिए मिले जुले समूह भी बने रहते हैं, तो अगेन इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द एनर्जीज़। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा।
आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि कल भी मुझे एक मेल आया कि वीडियो बहुत लंबी होती है, थोड़ी छोटी बनाया करो। हालांकि कॉन्सेप्ट काफ़ी था लंबा, बट मुझे इसको कट शॉर्ट करना पड़ा आपके लिए। खैर, इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। बाकी लंबी वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा तो, और छोटी वीडियोस भी उन लोगों के लिए जो लंबी देर तक नहीं सुनना चाहते मुझे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी। घर में जलाइए, हर तरीके की भूत प्रेत ब्यादा से आपको निजात मिलेगी, ब्लैक मैजिक दूर होगा, तांत्रिक अभिक्रम कटेगा और आपके काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा अभी मंत्रित लॉकेट या कवच भी पहन सकते हैं, इससे हमेशा आपकी रक्षा होगी। आप मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पर भी बातें कर सकते हैं अपने केस के विषय में, और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा, या मोबाइल नंबर 9625911182 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरी वेबसाइट की भी जहाँ से आप धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस भी जहाँ आप लिख के अपनी परेशानी भी व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल सोशल ज्ञान बाय पुलकित को भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आपको काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।